जो बोट है ये यहाँ से उस शहर में जाती है सामने वाले। नहीं पकड़ी आपकी, कभी नहीं पकड़ी मछली ऐसी, तो नहीं पकड़ी वैसे जाल से। मैंने फिशिंग खुद बना के ना जाके हेलो गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस सबसे पहले तो आप लोग देखें ये समंदर कितना खूबसूरत समंदर है यार, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये सामने हम ये खड़े हैं इस वक्त। सान भाई जगह का नाम क्या है? तमनई, तमलंग। ओके तो भाई ये है सामने टावर सा लगा हुआ एक, और ये थाईलैंड का तकरीबन लास्ट लगता है मेरे ख्याल से। नहीं नहीं, क्योंकि सामने ये थाईलैंड के जजीरे भी हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे, एक ये वाला छोटा सा और एक ये वाला, और एक इस साइड पर जो है ये सारा थाईलैंड ही है। ये सामने जजीरे हैं इसके छोटे छोटे से ना समंदर के अंदर। तो चलो ज़रा अब यहाँ का टूर लाते हैं, आसपास का समंदर का मज़ा लेते हैं और इन्जॉय करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले तो देख रहे हैं ये एहसान भाई कहाँ पर गए हैं ये। तो गाइस इसी के साथ सबसे पहले आप लोग वीडियो को तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और हमारे साथ घूमते रहें फिरते रहें और इन्जॉय करते रहें। यहाँ पर सुकून बहुत है, यहाँ पर किसी चीज़ की कोई आवाज़ नहीं है, क्योंकि अकेला मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ पर सिर्फ। कितना खूबसूरत बादल देखे, कितने खूबसूरत लग रहे हैं बादल, ऐसा लगता है नीचे उतर रहे हैं जैसे बादल सामने से। और ये कहाँ से गए हो अंदर? ओ इधर से। वाह यार क्या लोकेशन है। ओह ये डॉगी फिर रहा है इधर। तो भाई ये है पालन, क्या नाम था यार, एक तो बहुत अजीब अजीब से नाम है गाइस, इतने मुश्किल मुश्किल से नाम है ना मैं भूल जाता हूँ। चलो भाई एहसान भाई से मिलते हैं जाके। एहसान भाई थोड़ा आहिस्ता हो जाए यार। केकड़ा केकड़ा खाना आपने सामने, देखते हैं भाई केकड़ा किधर है ये। अच्छा पोर्ट बने हुए हैं ये, अच्छा यहाँ मतलब यहाँ से जहाज़ भर के जाते हैं यहाँ पे भाई आते हैं इस साइड में मलेशिया। वाह तो गाइस जिस एहसान भाई बता रहे हैं कि इस साइड पर मलेशिया है, यहाँ पर जहाज़ वगैरह आते हैं यहाँ पे भर के, और वो सारा सामान वगैरह जो है यहाँ से एक्सपोर्ट होता है ना, एक्सपोर्ट होता है मलेशिया में सारा सामान। ये कुत्ते वगैरह बैठे हैं ज़रा जंगली से किस्म के लग रहे हैं, और ख़तरनाक से भी लग रहे हैं, कभी उठ के काट भी ना ले। ओह हो हो भाई से बच कर आना, शरीफ है ये इंसान भाई कह रहे थे शरीफ है थाइयों की जो डोगी है भाई। ये देखिए केकड़ा, इसको हम सामने से दिखाते हैं ना, ये देखें भाई केकड़ा। वाह अभी पूरा नहीं नज़र आया सही तरीके से दिखाते हैं। ओह ये है केकड़ा, वाह ज़बरदस्त यार, अमेजिंग नाइस। सामने जंगल है ना, सामने नहीं इधर नहीं, ये वाला ये जंगल है इस साइड पर, इस साइड पर समंदर है, इस साइड पर जंगल है, और बीच में हम हैं। तो भाई एहसान भाई आप आ रहे हो मेरे साथ? नहीं हूँ केकड़ा उधर है। अच्छा तो हम जा रहे हैं यार केकड़ा देखने के लिए नीचे। केकड़ा नहीं केकड़े, केकड़े मैं उठा के दिखाऊंगा ना एक अच्छे तरीके से, उसके पोस्टमार्टम करके दिखाऊंगा। चलो भाई चलते हैं नीचे, जरा चलते हैं तरह, थोड़े पत्थर पुत्थर से यहाँ स्लिप होएंगे तो बॉल की तरह नीचे जाएंगे रिलते हुए, क्योंकि हम छोड़ दो यार ये वाली पेस्टी बहुत हो गई है पहले ही अपनी। ये भाई यहाँ से जब कोई इस तरह बोलता है ना मैं डर जाता हूँ, यहाँ सांप ना हो बस कहीं आसपास, बाकी सब खैर है ऐसे। केकड़ा देखना है हमने, ये एक बोट है यहाँ पर, ये देखें बोट। और ये जगह मेरे ख्याल से ना दलदल की तरह होगी, अरे चेक कर लेते हैं जगह ना पाँव रख के, क्योंकि बरसों से गीली जगह यहाँ, पाँव रख के चेक करता हूँ। ओहो हो गाइस सही कहा मैंने, जगह ठीक नहीं है जाने के लिए अंदर, नहीं यार अंदर नहीं जा सकता यहाँ पे मैं, क्योंकि मैं जहाँ पाँव रखता हूँ ना वहाँ से
अंदर चला जाता है, देखें बूट के ऊपर सारा गंदा हो गया अंदर। तो भाई यहीं देखते हैं, कोई पत्थरों के ऊपर कुछ चीज़ पड़ी हुई, केकड़ा मिल जाता है तो केकड़ा, कुछ बीच यहाँ, वरना मछलियाँ तक भी बाहर निकल निकल कर आ रही थी। तो थोड़ा सा यहाँ पर है, ये दिखाता हूँ आपको मैं। वो कैसी जगह यार, ये खतरनाक सी। अच्छा रस्सी पड़ी हुई है अंदर, मैं समझा सांप है। देखे ना कैसी खतरनाक सी जगह है। सामने वो दरख्त है उस साइड पर दरख्त हैं, और ये नीचे से पुल को देखें, कुछ भी हो सकती है यहाँ चीज़ें ना। लेकिन ये सारी जो जगह है ना गाइस, ये सारी की सारी जगह जो है मतलब गीली हुई है, समंदर का पानी यहाँ पे आता है और ये जगह खड़े होने के लायक नहीं है, इसमें पानी है। मैं पाँव जहाँ रखता हूँ वहाँ पाँव मेरा अंदर चला जाता है, इसकी वजह से आगे जाना बहुत मुश्किल है। लेकिन केकड़े वगैरह जो हैं वो यहाँ ईजिली घूमते हैं क्योंकि इनका वज़न भी नहीं होता। अब मुझे केकड़ा नज़र आया लेकिन मैं शायद उसके पास पहुँच सकूँ क्योंकि वो है तो बहुत छोटा। जब देखते हैं ज़रा, बच गया। हाँ तो गाइज़ ये छोटा सा केकड़ा नज़र आ रहा है आपको, नज़र शायद ना आ रहा हो क्योंकि इसका रंग बिल्कुल मिट्टी जैसा है, गंदा हुआ हुआ होगा शायद। अंदर जाना बहुत मुश्किल है यार यहाँ से, क्या करें अब। दूसरी साइड से ट्राई करते हैं, पत्थर है यहाँ पे, थोड़ा कोशिश करता हूँ पत्थर पे पाँव रखने की ना। ये देखे ना, एक ये पत्थर है, वो आगे गिरने लगा था। बैठ जाता हूँ पहले, फिर चेक करता हूँ। हाँ ठीक है, आगे एक कदम, दूसरा कदम उस साइड पे रखेंगे। हाँ कैसी खतरनाक जगह है। हाँ तो देखते हैं वो केकड़ा कहाँ चला गया, वो तो केकड़ा भी गायब हो गया यार, लगता भाग गया मेरी आवाज़ सुन के ना, चला गया। ओ हाँ यार, अब इधर से तो निकलने की सही जगह नहीं है। दरख्त की बनावट देखे ना कैसे, सारा गंदा हो जाऊंगा यहाँ से निकलते निकलते। फंस गया हूँ यार मैं यहाँ पे, आगे लगता है। वो ये देखें यहाँ पर नहीं आ रहा, कोई केकड़ा नहीं आ रहा यार। तो ऊपर चलते हैं गाइस, देखते हैं, यहाँ फंस गया हूँ, यहाँ से निकलना भी है बहुत डिफिकल्ट है। वो जंगल मतलब एक सीन है, इस मंदिर के पास है यहाँ, दरख्त के ऊपर कोई सांप वगैरह ना हो, चेक कर लेते हैं सही तरीके से, देख लेता हूँ ना। सही है, ठीक है ठीक है, तकरीबन ठीक है। तो भाई यहाँ पर से अब निकलने का रास्ता देखें, ये दरख्त वरना झाड़ियाँ सी बनी हुई हैं, यहाँ से निकलते हैं बाहर। वाह कैसी आवाज़ें आ रही हैं भाई यार ये। तो निकलता हूँ गाइस बाहर, यहाँ से बाहर निकलता हूँ एक दफ़ा। तो हाँ फाइनली गाइस मैं बाहर निकल रहा हूँ, नीचे बहुत गर्मी है और बहुत मुश्किल है नीचे से करना। तो इसे केकड़ा हमें पास से नहीं देख सके हम, निकल के बाहर आ गए। अब आपको और जगह घुमाता हूँ इसकी। एहसान भाई वहीं पे खड़े हैं सामने। तो गाइस मुझे फाइनली केकड़ा मिल गया है, अभी दिखाता हूँ आपको। ये देखें छोटा सा था भाई एहसान वहाँ पे केकड़ा, लेकिन वो मेरे हाथ नहीं लगा। आगे बहुत आगे जाने से सारा दलदल है, वही मैंने पाँव रखे हैं ना नीचे, मेरा बूट देखें कैसा हो गया, आगे दलदल नहीं है, मैंने आगे पाँव नहीं रखा फिर ज़्यादा। वहाँ से दूसरे पुल से बाहर निकल के आ गया मैं। हाँ चलते हैं फिर आगे भाई। तो गाइज ये है इसके समंदर के साइड पे, यहाँ पर लिखा हुआ है पार्क प्रोटेक्शन यूनिट 6 तमालंग पोयो।
क्या अजीब दिखा हुआ यार, साथ थाईलैंड का झंडे भी हैं और रॉयल फैमिली का, ये जो पीला रंग का झंडा है ये रॉयल फैमिली का है यहाँ पे। और अब यहाँ पे थोड़ा सा दिखाते हैं आपको जहाँ पे जहाज़ खड़े होते हैं। ओके अच्छा, ये लिखा हुआ है सतून अर्बन फॉरेस्ट 100 के आगे पीछे जो लिखा है उसके मुझे नहीं समझ आ रही भाई जान। वो मछली भी रहती है, हाँ वो देखे ना सामने भाई, मछली भी है यहाँ पे यार, क्या बात है यार, कितनी खूबसूरत मछली है। मैं कहता हूँ उसके साथ भी दो चार पिक्चर बना ले। बंद है? ओ हाँ, रास्ता तो नहीं है, हम टप्पी मार लेंगे यहाँ से। तो गाइस ये सामने जंगल है, जंगल में जाने का फिलहाल इतना टाइम नहीं है हमारे पास, जितना हम घूम लिए हैं वही बहुत है। हाँ यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हैं, लोगों की गाड़ियाँ खड़ी हैं, बट लोग मुझे अभी तक नज़र नहीं आए, मतलब एक दो तो नज़र आए हैं, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा खड़ी हैं, शायद ये घर वालों की होंगी, इधर फार्म हाउस जो बना हुआ है ये घर सा। और सामने एक वो देखेगा ये सामने एक आपको खम्भा नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर एक रडार की तरह घूमता जा रहा है। तो आगे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो गाइस ये देखिए यहाँ पर बोट्स वगैरह पड़ी हैं, इसको टायरों के मतलब ये इनका नीचे स्टैंड बनाया हुआ है, इसके ऊपर बोट रख के ये ऊपर लेकर आए हुए हैं इस बोट को। यहाँ पर काफ़ी सारी बोट्स खड़ी हैं गाइस, मैं आपको ज़रा थोड़ा इसका बता देता हूँ बोट्स के बारे में, इतना खास मुझे पता नहीं है, मैं जितना मुझे पता है मैं वो बता देता हूँ गाइस। ये वाली मोटर बाइक क्या बोलते हैं इसके बारे में, है ना अमेजिंग। ये गाइस ये है जो समंदर के ऊपर भगाते हैं ना, वो जो आपने देखी होगी वीडियोस वगैरह, वो बाइक्स ये होती हैं, ये मोटर बाइक मतलब कौन सी सी मोटर बाइक समंदर पर भगाने वाली। एक ये खड़ी है यहाँ पर बोट, बहुत बड़ी मतलब इतनी बड़ी भी नहीं है। और गाइस एक ये बाइक खड़ी है मैरीन डिपार्टमेंट, ये फौजियों की है दोनों बाइक्स, देखें ये मैरीन डिपार्टमेंट लिखा हुआ है इसके ऊपर, उसके ऊपर लिखा हुआ नहीं है लेकिन वो है फौजियों की, मतलब जो यहाँ पे रहने वाले मैरीन डिपार्टमेंट के फौजी हैं नेवी वाले, यहाँ पर उनकी बाइक्स हैं, ये बोट भी उनकी हैं। और यहाँ पे एक सामने है, ये आप देख सकते हैं ये स्टैंड है, ये जो जिस पे ये खड़ी है ये वाली बोट खड़ी है वो, तो ये स्टैंड है इस तरह का नहीं, जिसके ऊपर बोट्स खड़ी हैं, इसके ज़रिए वो इसके ऊपर लेकर आके इसको फिर ऊपर खींच लेते हैं, फिर जिससे बोट जो है ईजी मतलब खड़ी हो जाती है। ये भी एक बोट खड़ी है इधर 188 नंबर 188। अब यहाँ पे कुछ लोग मछलियाँ भी पकड़ रहे हैं, क्या बोलते हैं मछलियाँ पकड़ने वालों के पास भी चलते हैं, ज़रा चक्कर लगाते हैं, अभी हवा चल गई। ओह सामने देखें ना कितना खूबसूरत मंजर है यहाँ से। तो गाइस ये यहाँ पर कर रहे हैं कोई लोडिंग वगैरह मेरे ख्याल से बोट के अंदर, बोट में चीज़ें लोड कर रहे हैं। सन भाई क्या देख रहे हो इतने गौर से, ये यहाँ से लोडिंग करके लेके जाएंगे ना दूसरे, इसमें क्या कहते हैं उसे, मलेशिया ले जाएंगे या दूसरे जिधर लेके जाना है जजीरे पर। सामने भी जजीरा है साइड पर, हाँ ये सामने भी जजीरा है ना साइड पर गाइस। और ये मछलियाँ वगैरह पकड़ रहे हैं, चलो सन भाई मछलियों वाले के साथ लगाते हैं गप। इन्हें तंग करता है थोड़ा सा अपनी जुबान में, मछली पकड़ रहे हैं या फिशिंग रॉड के साथ मछली पकड़ रहा है भाई, मछली मछली या फिश मछली, कितनी पकड़ी है, हाउ मच भैया, ओ आ गई मछली फंस गई भाई, लगता फंस गई है। अरे भाई इन्होंने कुछ चारा वगैरह रखा हुआ है यहाँ पर, और एक अंकल वहाँ खड़े हैं यहाँ पर। अच्छा ये तो उसमें डालते हैं, अरे नहीं नहीं ये चारा है, दिस फिश फूड, सी फूड, ना 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 फिश फूड, हाँ सी फूड ही है, फिश फूड वही है, सेम है ना, नाइस गुड। देखते हैं भाई ये कितनी मछली पकड़ता है भाई।
हम खड़े हैं नहीं, हम खड़े आना, इनके पास मछली भी नहीं लगनी हम ट्राई करें मछली पकड़ने, हम थोड़ी पकड़नी होनी चीज आएगी तो पता चलेगा। मैंने मछली बड़ी पकड़ी है, पता कैसे पकड़ा वो हिलता है, ये हिलती है ये ना, ये देख रहे हैं गाइस, ये फिशिंग रॉड डोर लगी हुई है, जब ये मछली आएगी तो ये टाइट हो जाएगा। टाइट है लेकिन नहीं, नहीं इस तरह टाइट नहीं, फुल टाइट हो जाएगा, मतलब मछली खींचती है ना जब, तो वो टाइट हो जाती है, मतलब वो वाला टाइट जो है, मैं आपको किस तरह बताऊँ उस टाइट के बारे में। सर भाई आपने कभी मछली पकड़ी है? नहीं पकड़ी, बाकी कभी नहीं पकड़ी मछली ऐसी, तो नहीं पकड़ी वैसे पकड़ी है जाल से, जाल से मैंने फिशिंग रॉड खुद बना के ना, जैसे फिशिंग रॉड, तो गाइस आप लोगों ने मेरा व्लॉग तो देखा होगा जिसमें मैं खुद फिशिंग करता हूँ भाई, मैंने बहुत मछलियाँ पकड़ी हैं, मामू है ना मेरे, वो शिकारी हैं, मतलब मछलियों का शौक रखते हैं ज़्यादा ना, तो उनके साथ जाके मछलियाँ पकड़ता था। अब देखते हैं भैया, यहाँ पर भाई बैठा हुआ, ये एक और आ गया मछेरा बड़ा, हाँ नो हैव फिशेज भैया बैठे हुए हैं, इन्हें हमारी समझ नहीं आती, हमें इनकी समझ नहीं आती, सुबह तक नहीं आनी, ये भाई मछली पकड़ने आए हैं, ये भी मछलियाँ पकड़ने के लिए आए हैं यहाँ पर। चलते हैं भैया यहाँ से आगे, इनके साथ दिमाग खपाने से अच्छा है हम घूम लें यहाँ पे थोड़ा, इन्हें हमारी समझ आने वाली नहीं है, बस एक ही समझ आती है भाई इनको हमारी और हमें इनकी हंसने की। तो गाइस अब इस वक्त हम आ गए हैं दूसरी साइड पर, और ये जो बोट है ये यहाँ से उस शहर में जाती है सामने वाले, यहाँ से मतलब बंदे वगैरह बैठते हैं इसके अंदर, और मोटरसाइकिल वगैरह भी जो हैं जिसने लेके जाने उस साथ, बाइक देख सकते हैं ना, बाइक वगैरह भी ऊपर चढ़ा रहे हैं इसके, यहाँ से वहाँ पर लेकर जाते हैं साइड पर। तो ये यहाँ पर ये जगह बनी हुई है, और ये बड़ा यहाँ पर खूबसूरत सा बना हुआ है लकड़ी का ढाबा टाइप ना, बड़ा मज़े का बैठने की जगह है सिटिंग, और ये बांस का बना हुआ है गाइस, ये मलेशिया यहाँ पे अच्छा, मलेशिया जाते हैं इधर से लोग, अच्छा मलेशिया का आइसलैंड है जो बड़ा खूबसूरत है, और यहाँ से नज़दीक, यहाँ से नज़दीक पड़ता है, अच्छा ठीक वही कह रहे। ओ यार वो सामने देखो ना कितनी खूबसूरत जगह, अच्छा बंदर तंग किस तरह कर, वहाँ तक यार क्या अमेजिंग जगह, इस साइड पर भी है, यहाँ पर लोग खड़े हैं, यहाँ लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर इंतज़ार में है मेरे ख्याल से बोट वगैरह के इंतज़ार में है, यहाँ पर बहुत खूबसूरत मौसम भी बड़ा खूबसूरत हो रहा है हुआ है, और बहुत ज़बरदस्त है यार जगह, अमेजिंग है। ये पानी निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये पानी का यार, अच्छा ये पानी के साथ ही प्रेशर बनाते हैं, क्या बात है यार बड़े ज़बरदस्त है, गुड नाइस। ये जजीरे से आ रहा है, वाह ये वाला जजीरा भी थाईलैंड का है, ये वाला भी और ये वाला भी। तो गाइस ये जजीरे हैं सामने थाईलैंड के, कितने लोग इंजॉय करते होंगे यहाँ पर आके, मज़ा करते होंगे, जैसे भी मैं अकेले ही कर रहा हूँ सर भाई के साथ। चलो यार अब थोड़ा सा यहाँ लगाते हैं राउंड, बस किस्मती के साथ अकेले ही घूम रहे हैं, हाँ मैं देख रहा हूँ। तो गाइस ये आ रहा है एक जहाज़ यहाँ पर, गाइस ऐसा करता है समंदर में उतरते हैं, समंदर की गहराई नापते हैं कितनी है, क्या कहते हैं उतर जाए समंदर में, लगा ले छलांग, मतलब उतरने से मुराद था मेरा ये सीढ़ियाँ यहाँ पर बनी हुई, सीढ़ियों से नीचे जाकर यहाँ से हम आपको थोड़ा सा ये दिखा सकते हैं कि ये समंदर, वाह यार अब बताएं कैसा लग रहा है ये समंदर, आप लोगों ने तो बीच वगैरह से देखा होगा, ये वो जगह है जहाँ से लोगों का सामान एक्सपोर्ट होके दूसरे मुल्क में जाता है, ये वो जगह है, वाह लहरें आ रही हैं यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सी ना, तो भाई ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है मंज़र, ये सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की कुदरत है यार, ये वो कश्ती आई थी ना वो जो बोट सी चल रही थी, अब उसने लहरें बना दी हैं समंदर के अंदर, अब ये लहरें इस साइड पर आ रही हैं,
तेज़ तेज़ देखना किस तरह आ रही है, किस तरह तेज़ी से चलने लग गई है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की कुदरत है यार ये। तो भाई वो चढ़ते हैं दोबारा से। एहसान भाई, एहसान भाई परेशान हो गए थे। मैं एहसान भाई कहते हैं कि मैं परेशान हो गया था कि बंदा किधर गायब हो गया, वो इस मंदिर में गिर गया। मैं नीचे आपको एंजॉय करवा रहा था। गाइस बंदे के अंदर से हिला के रख दिया हमने। सॉरी एहसान भाई। तो भाई अब इस साइड से देखते हैं थोड़ा सा जंगल वाली साइड पे भी। ओ कितनी खामोशी है यार यहाँ पर, है ना, सुकून ही सुकून है। अच्छा एहसान भाई खामोशी ढूंढ रहे हैं और ज़्यादा। ये एहसान भाई देखना इस साइड पे सारा गीला है, ये सारा मेरे ख्याल से समंदर रात को इधर आता होगा। ओए केकड़े, ये जितनी सारी चीज़ें फिर दिया नीचे क्या कुछ है, केकड़े हैं और कितने केकड़े हैं वे, ये देखो ना सारे फिर रहे हैं केकड़े केकड़े। इसलिए इन्होंने इतना बड़ा केकड़ा बनाया कि केकड़ों केकड़ों की फार्मिंग होती है। उधर देख बाहर वो कितने केकड़े फिर रहे हैं यार। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे केकड़े कितने ज़्यादा हैं। मछलियाँ भी चल चल के ना पानी की तरफ जा रही हैं, देखें छोटी छोटी सी मछलियाँ बाहर पड़ी हैं यार। पानी आया ना वो यहीं रुक गई है ना सारी, हाँ छोटी छोटी सी यहीं पर रह गई बेचारी। तो गाइस छोटे इस साइड पे भी है भाई केकड़े, बहुत बहुत केकड़े हैं यार इधर तो, बहुत ज़्यादा केकड़े हैं। देखना कितने केकड़े हैं, झींगे भी हैं, केकड़े हैं, छोटी छोटी मछलियाँ हैं। ये इस तरह आती हैं जैसे पानी आता है ना, जब पानी की लहर आती है तो वो साथ जो जितनी मछलियाँ वगैरह होती हैं उनके साथ आ जाती हैं, उसके बाद फिर यहाँ पर आ जाती हैं और वो जो पानी वापस चला जाता है, इन चीज़ों को यहीं पर छोड़ के चला जाता है। केकड़ों ने तो यहाँ पर अपना बिल बनाए हुए हैं, घर बनाए हुए हैं। वाह यार अमेजिंग, कितना खूबसूरत है। तो गाइस ये सामने पहाड़ है इस साइड पर, इस साइड पर भी। तो गाइस ये देखें यहाँ पर, वाह बादल की आवाज़ आ रही है भाई, आपको आ रही है? उस सामने देख सकते हैं गाइस आप लोग, वहाँ बादल हैं, वहाँ पे बारिश हो रही है या फिर बरसने वाली है, क्योंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है बादलों की उस साइड से। और इस वक्त हमारे सर के ऊपर जो बादल हैं कम ही हैं भी सही और कम भी हैं और साफ पड़ा था तकरीबन। हमारे सर के ऊपर यार मैंने कभी केकड़ा देखा नहीं था, है ना, जिंदगी में मैंने कभी केकड़ा नहीं देखा था, आज करोड़ों देख लिए और इतने सारे। ओए 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 अपने बिल में घुस जाते हैं एकदम से, बिल बनाएंगे बाहर आएंगे। ये देखें भाई ये वाला कितना खूबसूरत लग रहा ना यहाँ से, ज़बरदस्त अल्लाह ताला की कुदरत है। ये सामने आपको कुछ नज़र आ रहा है यहाँ से सामने, दो आपको कैमरे में तो नज़र नहीं आ रहा होगा, मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन शहजाद भाई ये क्या चीज़ है, वो दो परिंदे थे, मलेशिया किस साइड पर है, मलेशिया इसके पीछे, अच्छा इन पहाड़ों के साइड पर, अच्छा नहीं नहीं मुझे तो, अच्छा 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 हाँ हो सकता है, हो सकता है बॉर्डर पास की नहीं करके गए वहाँ बॉर्डर। स्तून से 25 किलोमीटर बॉर्डर, अच्छा वाह। और ये समंदर में क्या बना हुआ है सामने, ये कोई मेरे ख्याल से बॉर्डर बना हुआ है ना भाई, ये सामने जो समंदर में लगे हुए हैं ये बॉर्डर है ये, हाँ ये सिग्नल वगैरह का, अच्छा वाह क्या बात है यार, समंदर के अंदर भी सिग्नल करने के लिए खंभे बनाए हुए हैं बड़े बड़े से,
जो मुझे नज़र आ रहे हैं, शायद कैमरे में सही नज़र नहीं आ रहे होंगे, छोटे से नज़र आ रहे हैं कैमरे के अंदर। क्या बात है यार, कितना खूबसूरत है जगह। तो गाइज़ ये देख लें कितनी खूबसूरत जगह है, और सुकून ही सुकून है यहाँ पर। गर्मी भी बढ़ने लगी है, वही मैं कह रहा हूँ, गर्मी भी बढ़ने लग गई है। तो गाइज सब अब हम बना लेते हैं कुछ पिक्चर वगैरह, तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा लें। मिलेंगे आपको अगले व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।